सिद्धार्थ राठौर राघव राठौर का भाई नयन को बचा लेता है और नयन से झूठ कहता है ताकि वो नयन के जरिए सम्राट से रिवेंज ले सके। ईशानी नयन के बारे में सम्राट से सच जानकर कि उसकी बहन अब जिंदा भी है या नहीं वो नहीं जानते। और पुलिस को जब नयन के साड़ी का टुकड़ा मिलता है और उससे पुलिस सैम से कहती है कि वो नयन को डेड डिक्लेयर करने जा रहे हैं। नयन सिद्धार्थ के बातों पर यकीन करने से पहले जब सच देखने खुराना मेंशन जाती है तब मानसी और सैम को एक साथ और सैम को मानसी के गले में मंगलसूत्र पहना देते नयन सैम से रिवेंज प्लान करती है। नयन को सिद्धार्थ ने बताया झूठ सच मानकर नयन सैम से रिवेंज लेने के लिए राघव के भाई के साथ हाथ मिला लेती है। मानसी सैम को ब्लैकमेल कर मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहती है और नयन उसे सच मान लेती है। सिद्धार्थ नयन से झूठ कहता है कि उसका भाई राघव सम्राट की वजह से बुरी हालत में है और राघव अब असाइलम में है और उसने नयन को इसीलिए बचाया क्योंकि तुम्हें सम्राट ने पहाड़ी से धक्का दिया था और वहाँ सम्राट के साथ मानसी भी थी। सिद्धार्थ सम्राट से बदला लेने के लिए नयन से झूठ कहता है क्योंकि उसे पता है कि सैम सिर्फ नयन से प्यार करता है। इसलिए सिद्धार्थ नयन से कहता है कि सैम सिर्फ मानसी से प्यार करता है और मानसी उसे मैनिपुलेट कर उसे ये सब करवा रही है। जब नयन सच जानने के लिए सैम के घर जाती है मानसी को सैम के साथ देखकर और सच जानकर कि उसकी फैमिली के साथ सैम ने क्या किया है नयन को यकीन हो जाता है कि सिद्धार्थ ने जो भी कहा सब सच है। देखना तो ये होगा कि क्या नयन उसके फैमिली को सच बताएगी कि वो जिंदा है या फिर छुपकर ही सैम से रिवेंज लेगी। क्या नयन सैम का सच जान पाएगी या फिर नयन को सिद्धार्थ राठौर पर शक हो जाएगा। क्या ईशानी और मोहित से नयन की फैमिली सैम का सच जान पाएगी। जानिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।